विकास गुप्ता ने बताया राहुल वैद्य को कि वो किस तरीके से नजर आ रहे हैं घर के बाहर फेक। जी हाँ, आपको बता दूं यहाँ पर कि लाइव फीड में ये सारी चीजें दिखाई गई हैं। नमस्कार, मैं हरदम ठाकुर स्वागत करती हूँ आप सभी का बॉलीवुड हेडलाइंस में। दरअसल बिग बॉस के घर में विकास गुप्ता की एंट्री हो चुकी है, राहुल वैद्य एलिमोनी। हर कोई जानना चाहता है कि आखिरकार वो घर के बाहर कैसे नजर आ रहे हैं। ऐसे में राहुल वैद्य और विकास गुप्ता का एक कॉन्वर्सेशन जो है जो देखने को मिल रहा है, जो कि पहले का है थोड़ा। तो यहाँ पर विकास गुप्ता जो है वो राहुल वैद्य को बता रहे हैं कि तुम सोशल मीडिया पर इस समय जो है वो फेक लग रहे हो, तुम्हारा गेम जो है वो फेक लग रहा है, तुम जिस तरह से पहले रियल खेलना करते थे अब तुम वैसे नजर नहीं आ रहे हो। तो यहाँ पर राहुल वैद्य बोलते हैं कि क्या तुम सोनाली जी वाले किस्से को लेकर बात कर रहे हो? तो यहाँ पर विकास गुप्ता क्या बोलते हैं, उसको म्यूट कर दिया जाता है। बट यहाँ पर जिस तरीके से राहुल वैद्य को कहीं ना कहीं सलाहें देते आ रहे हैं, जैसे कि उन्होंने दिशा का मैसेज भी पास ऑन किया कि भाई निकिता अंबोली से वो हेट करती है, दूरी बनाओ उनसे, डिस्टेंस रखो, मैं सिर्फ तुम्हें उनकी बात बता रहा हूँ। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है राहुल वैद्य के लिए। गाइस, विकास गुप्ता ने तुमने बोला कि वो फेक नजर आ रहे हैं, जहां तक मुझे याद है आई थिंक किसी ने भी राहुल वैद्य को फेक तो नहीं कहा, साइड किक जरूर कहा होगा लेकिन फेक अभी तक किसी ने नहीं कहा। तो आपको क्या लगता है, क्या विकास गुप्ता को जानबूझकर ये सब बातें बोली गई हैं कि राहुल वैद्य को आप ऐसे बोलो ताकि वो अपना रियल गेम वापस से बाहर लेकर आए और जैसे वो पहले थे वैसे आए? पर आप लोगों को क्या है लगता, क्या है कहना, राय कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कॉमेंट कीजिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।